नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बताने जा रही हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप कड़ी पत्ता को बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सबसे पहले कड़ी पत्ता को अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें मिट्टी ना लगी रहे बिल्कुल भी। ये देखिए इसके पत्ते कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो अब इसे सुखा लेंगे। लीव्स को सुखाने के लिए सबसे पहले एक कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। अब ये कड़ी पत्ता की लीव्स इस पर ऐसे अच्छे से फैला देंगे। कॉटन बहुत जल्दी पानी सोख लेता है इसलिए इसी कपड़े का यूज़ करना है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे। अब इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से इसका पानी सूख जाए। आप चाहें तो इसे आधे घंटे धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो गर्मी के टाइम ये पंखे के नीचे ही सूख जाएंगी। अब एक घंटे बाद देखेंगे ये सारी पत्तियाँ अच्छे से सूख चुकी हैं, इनके ऊपर पानी नहीं है। अब एक बाउल लेंगे और स्टेम में से सारी पत्तियाँ तोड़ लेंगे। पत्तियाँ तोड़ने के लिए ये स्टेम को पीछे से पकड़ना है इस तरीके से, और दूसरे हाथ से अंगूठे और उंगली से स्टेम को पकड़कर नीचे की तरफ खींचना है जिससे कि सारी पत्तियाँ टूटकर ऐसे देखिए हाथ में आ जाएंगी। तो इसी तरीके से बाकी सारी पत्तियाँ भी तोड़कर इस बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। सारी पत्तियाँ इकट्ठा करने के बाद अब इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसे हल्के हाथ से इस तरीके से मिलाएंगे। दोनों हथेलियों के बीच में लेकर इसे रगड़ना है ताकि पत्ती के ऊपर अच्छे से ऑयल लग जाए। हाथों के बीच के मसलने से एक एक पत्ती के ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से हर लीफ की कोटिंग हो चुकी है ऑयल से अच्छे से। ये हमारा कड़ी पत्ता स्टोरेज के लिए रेडी हो चुका है। तो अब एक पॉली बैग लेंगे और इसके अंदर ये सारी लीव्स डाल देंगे। अगर आपके पास जिप बैग है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर जनरली घरों में जिप बैग अवेलेबल नहीं होता है तो आप इसे यूज़ करें। अब इस पॉली बैग को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे प्रेस करके इसके अंदर की एयर निकाल देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस पैकेट पे रबर बैंड भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। आप इसे लगभग 4 से 5 महीने यूज़ कर सकते हैं और इसका फ्लेवर भी काफ़ी फ्रेश रहेगा, नेचुरल रहेगा। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।